सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। इसका जो ट्रेलर है वो लॉन्च हो चुका है और ट्रेलर देखकर ही लोगों की जो आंखें हैं वो नम हो गई हैं। सन 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा को लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था। सेम उसी का ही सेकंड पार्ट अब हमको 2023 में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि सिनेमा घरों में 11 अगस्त से रिलीज हो जाएगी। सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा और फिल्म गदर 2 की पूरी कास्टिंग टीम फिल्म का प्रमोशन करने के लिए ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल कर रही है। 12 जुलाई 2023 को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और जैसे ही फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तारा सिंह यानी सनी देओल जम्मू कश्मीर के एक मंदिर में नजर आए आशीर्वाद लेते हुए, जहाँ पर उनका मंदिरों के पुजारी और इंडियन आर्मी ने जमकर स्वागत किया। इस क्लिप के अंदर तारा सिंह और सकीना यानी सनी देओल और अमीषा पटेल फिल्म में मिले किरदार को डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्लिप तब की ली गई है जब फिल्म का अंतिम भाग तैयार किया जा रहा था और अमीषा पटेल और सनी देओल फिल्म में मिले कैरेक्टर को डिस्कशन करने के बाद दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हुए नजर आए। फिल्म के प्रमोशन की बात करें तो अमीषा पटेल और सनी देओल यानी तारा सिंह और शकीना जगह जगह जाकर के फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। सन 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा का दूसरा भाग तैयार हो चुका है, जो कि 11 तारीख को ऑनवर्ड सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगा। और फिल्म गदर 2 पर उत्कर्ष शर्मा ने क्या कहा? हाय गाइस, तो गदर 2 की डबिंग तो बहुत सॉलिड चल रही है और परसों गदर 1 रिलीज हो रही है। गदर एक प्रेम कथा, दी इटर्नल क्लासिक ऑन द बिग स्क्रीन, दिस टाइम इन 4K एंड डॉल्बी एटमॉस। सो प्लीज गो विथ योर एंटायर फैमिली, फ्रेंड्स और जस्ट गो अलोन टू एक्सपीरियंस द मैग्निफिसेंट फिल्म ऑन द बिग स्क्रीन। एंड उस फिल्म में एक छोटा सा सरप्राइज भी होने वाला है, वो आपको कल पता लगेगा, अभी नहीं बताऊंगा। नाउ बैक टू वर्क। अभी अगले साथ गदर 2 आएगी और सकीना ही नहीं तारा सिंह भी वापस आएंगे। और एक बार फिर मैं एनी किल्ला ये गाना भी वापस आने वाला है एक नए अंदाज में। और गदर 2 की शूटिंग खत्म होने के बाद सनी देओल और अमीषा पटेल यानी तारा सिंह और सकीना और उनकी इंटायर टीम कास्टिंग टीम केक खिलाते हुए आपस में नजर आए। फिल्म गदर 2 की शूटिंग के बाद अनिल शर्मा जो कि मूवी के डायरेक्टर हैं और सनी देओल और उनकी इंटायर पूरी कास्टिंग टीम इस कदर होली खेलते हुए नजर आ रही है और ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। पूरे 22 साल बाद गदर 2 हमको देखने के लिए मिल रही है। सन 2001 में गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी, पूरे 22 साल बाद आज हमको गदर 2 देखने के लिए मिलेगी। फिल्म गदर 2 की शूटिंग खत्म होने के बाद फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कुछ इस प्रकार जनता के लिए एक मैसेज पहुंचाया है। उड़ रहा है कैमरे में रंग गदर 2 के लिए, पूरे भारत को, पूरे विश्व को हैप्पी होली। तारा सिंह और शकीना पहुंचे फिल्म का प्रमोशन करने के लिए जयपुर और जयपुर पहुंचते ही भीड़ कुछ इस कदर उमड़ पड़ी है। ये तस्वीरें पंजाब के अमृतसर की, जिसमें सनी देओल गुरुद्वारे के अंदर आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं। इस क्लिप के अंदर अमीषा पटेल जी का एक गाना है गदर मूवी के अंदर, उस गाने का अंतरा शूट किया जा रहा है। गदर 2 की बात करें तो इसे अनिल शर्मा ने ही डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के अंदर सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा लीड रोल में नजर आएंगे और वही विलन के किरदार में मनीष वाधवा जी नजर आने वाले हैं। और इस फिल्म का क्लैश अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 से होने वाला है। देखना होगा कि दोनों में से कौन से फिल्म बाजी मारती है। इस सीन के अंदर तारा सिंह पाकिस्तान के अंदर घुस चुके हैं और जैसे तारा सिंह पाकिस्तान के अंदर घुसे हैं, पाकिस्तान वालों ने गदर मूवी को लेकर के इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर दिया है। और मूवी पर पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने क्या कहा आप खुद देख लीजिए। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त खतरे की लपेट में है। वजह यह है कि तारा पाजी जो हैं वो एक दफा फिर पधार रहे हैं।
हमने जब से होश संभाला है यही सुनते आए हैं कि दोनों मुल्कों के लोग जो हैं वो अमन पसंद हैं, भाईचारा चाहते हैं, तो फिर ये कचरा कौन फैला रहा है? फिल्म गदर हो या गदर टू हो, फिल्म का कोई भी पार्ट या पूरी फिल्म नफरत फैलाने के लिए नहीं बनाई गई है। इस फिल्म पर अमीषा पटेल ने क्या कहा, आप खुद ही सुन सकते हैं। एक ऐसी फिल्म है जो कभी भी गदर वन ने ना कभी नफरत फैलाई, सिर्फ प्यार फैलाया, हर रिलीजन कास्ट किट को एक बनाया। ऐसी कौन सी बड़ी फिल्म हो सकती है जो बोलती है कि एक पाकिस्तान की लड़की एक मुस्लिम एक हिंदू से शादी करती है और अभी भी अपने इस्लाम को नहीं भूली, उल्टा सनी जी जो तारा सिंह का किरदार निभा रहे उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, उन्होंने उसको रिस्पेक्ट किया। तो आई थिंक गदर जैसी फिल्में यूनिटी बढ़ाती है रिलीजन के तौर पे और सिखाती है कि हमें एक साथ जीना चाहिए, तो गदर टू भी वैसी ही है। गदर टू मूवी का शूटिंग खत्म होने के बाद कुछ इस कदर मिले इंडियन आर्मी से सनी देओल, और जैसे कि आप जानते हैं पूरी फिल्म इंडियन आर्मी पर बनाई गई है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सनी देओल कुछ इंडियन आर्मी के साथ फोटो खिंचा रही है, जो पीछे जो इंडियन आर्मी खड़ी है ये फिर रियल है जो कि फिल्म के दौरान नजर आएंगी। उत्कर्ष शर्मा ने मीडिया से कहा, पाकिस्तान के एक रिपोर्टर जिनका नाम है सना अमजद, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में कुछ लोगों से सवाल किया पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तानियों ने क्या जवाब दिया आइए सुनते हैं। तारा सिंह ने एक डायलॉग बोला कि अगर पाकिस्तानियों को मौका मिले तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान चले जाए और पाकिस्तान खाली हो जाए, तो मेरा आपसे सवाल है कि आपको मौका मिले इंडिया जाने का तो क्या आप जाएंगे? वैसे जो आजकल पाकिस्तान के हालात है ना, तो मुझे लगता है कि आई थिंक इसराइल और अफगानिस्तान के अलावा जो भी कंट्री है ना, मैं वहाँ जाना प्रेफर करूँगा। तो इंडिया के जो इकोनॉमिकल सिचुएशंस हैं वो पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, न्यूट्रल बेसिस पे देखें तो फिर आई थिंक इंडिया इज़ बेटर इन एवरीथिंग। सुल्तान सर, आपने गदर वन मूवी देखी थी? जी बिल्कुल देखी थी। कैसी लगी थी वो आपको? अच्छी थी, फिल्म ज़बरदस्त थी, लेकिन जब वो सनी देओल पाकिस्तान आता है और यहाँ पे आके बड़ा वो गदर मचाता है और पाकिस्तानियों को ललकारता है तो वो बहुत बुरा लगा था। और पाकिस्तान की इस महिला ने तो हद ही कर दिया, ये सुनते हैं। मैं ऐशा करीम ओपन चैलेंज करती हूं, तेरे टांग पे टांग डाल के चीर दूंगी, तेरे घर के समय तेरी जबान यहां से निकाल दूंगी। अगर पार्ट टू निकालने का सोचना नहीं, जो अब निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग हाँ खराब कर दिया, तू दिखेगा तो तेरा ऐसा हर्ष करूंगी कि तू खुद तेरे घर